दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की। याद रखिए इंडियन ज्योग्राफी, आप सभी की बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, तो आज से आपकी क्लास चलेगी इंडियन ज्योग्राफी का। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पहला लेक्चर आज आपको मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि पहला लेक्चर जो हमारा ज्योग्राफी जहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं पहला टॉपिक वहाँ से शुरू करेंगे, भारत की भौगोलिक संरचना या भारत का भौगोलिक विस्तार, उससे हम अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर लगातार जुड़े रहेंगे तो विद इन मंथ हम लोग जो है ये कम से कम भारत का भूगोल तो हम लोग एंड कर देंगे। बाकी विश्व का भूगोल भी मैं बहुत जल्दी कवर करा दूंगा, क्योंकि मैपिंग में बहुत सारा चीज कवर किया जा चुका है, बस कुछ ही टॉपिक आपके रह गए। ठीक है तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों यहां पर मैं बहुत सारे आपको क्विज भी कराने वाला हूं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस तरह के अच्छे वीडियो चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, तो आपको जो भी विषय पढ़ना आप आ जाओ और एक एक चैप्टर आप देख करके पढ़ सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत के भौगोलिक स्थिति की बात आती है तो भौगोलिक स्थिति माने होता क्या है, यानी भारत का विस्तार कितना है, ये जो हमारा भारत है ये कितना बड़ा भारत है, इसी के बारे में आपको बताना है। करा भारत के क्षेत्रफल की बात कर दें, वैसे कभी परीक्षा में नहीं पूछा जाता, खाना पूर्ति वाली काम है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है। विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह प्रश्न अक्सर करके पूछा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान नंबर दो है, क्योंकि पहले नंबर पर चीन है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे में भारत का स्थान कौन सा है, सातवां स्थान है। तो फिर बाकी के छह देश कौन से हैं, तो आपको जानना पड़ेगा ना। तो फिर याद रखिए रूस ये सबसे बड़ा देश है, दूसरा है कनाडा, ठीक है इसको याद रखेगा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राजील, छठवा है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे है भारत। ठीक है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है, ये पॉइंट आपके नोट करने लायक है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। अगला दे रहा है कि पूरे विश्व के अगर हम क्षेत्रफल को देखें तो उसमें से कितने प्रतिशत हिस्से पर भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या नहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रखिए 2.4%, कितना 2.4%। अगर पूरे दुनिया को 100% मान लिया जाए तो उसमें से 2.4% क्या है भारत का हिस्सा है, और अगर जनसंख्या में परसेंटेज लगा दें तो 17.5%, ठीक है यानी 17.5%। और जनसंख्या की दृष्टि से स्थान देख लें तो दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का। ये कुछ फैक्ट्स हम आपको देते जा रहे हैं, आप लेते चलिए, बहुत कुछ आपको सीखना है। ऐसा मत समझिए कि ज्योग्राफी इतनी आसान होती है, आज के ही लेक्चर में आपको इतने गजब गजब की चीज मैं देने वाला हूं, आप कहोगे सर मजा आ गया, पेट भर गया आज पढ़ करके, पेट भर गया, ऐसा आपको एहसास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब अगली बात आती है दोस्तों कि अलग अलग बिंदु कौन से, मतलब सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु। तो याद रखिए जो सबसे उत्तरी बिंदु है यह 37° 6' पर है, और यह पड़ता कहां पर है, तो अगर यह भारत का मैप ले ले तो यहां पर जो सबसे ऊपर है ना यहां पर पड़ता है, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट दक्षिण में पड़ता है और इंदिरा कॉल ये उत्तर में पड़ता है, तो याद रखिएगा 37 डिग्री ऐसे पढ़ा जाता है। देखिए ये 37 डिग्री, ये 6 के आगे जो ऐसे होता है ना, इसको मिनट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर में है। अगला है पश्चिमी बिंदु, तो पूर्वी इधर है तो पश्चिमी महाराष्ट्र वाले साइड में होगा, गुजरात में है, इसका नाम है गुहार मोता। क्या नाम है, गुहार मोता, याद रखेगा ये गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पर। ठीक है अगला देखिए, स्थलीय दक्षिणी बिंदु की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थली वाला है, क्यों, क्योंकि ये तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है ना ये वाला पॉइंट स्थली है, जबकि सबसे निचला पॉइंट दोस्तों ये अंडमान निकोबार वाला पॉइंट पड़ जाता है, क्योंकि अगर आप यहां से एक लाइन खींच दीजिए ना तो ये इस लाइन से थोड़ा सा नीचे हो जाता है, इसलिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इस पॉइंट को न मान करके इस वाले पॉइंट को माना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार का एकदम निचला पॉइंट है, हम उसको मानते हैं। तो याद रखिए उसका पुराना नाम क्या था,
पुराना नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, अब उसको इंदिरा पॉइंट के रूप में जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट याद रखेगा, ये सबसे दक्षिणतम है, ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट है यहां वाला, और ये वाला 6 डिग्री 4 मिनट है, मतलब 2 डिग्री का अंतर है। कन्याकुमारी में जो पॉइंट्स पड़ता है, जो ये किसकी बात कर रहा है, ये अक्षांश रेखा है, कौन सी अक्षांश रेखा की बात कर रहा है, ठीक है, देशांतर नहीं, ये अक्षांश रेखा की बात कर रहा है। तो अक्षांश रेखा ये 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी है और 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहां पर है, दक्षिणी अंडमान में है, जत्री निकोबार में, अंडमान ऊपर साइड है, निकोबार निचली साइड में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, पूर्वी बिंदु सबसे पूरब की तरफ अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट यहां पर है, ये पॉइंट है, ये देशांतर रेखा है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए जो पश्चिमी वाला था ये भी देशांतर था, ये देशांतर है, और ये जो उत्तरी वाला था याद रखेगा ये अक्षांश है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि पूरी पृथ्वी पर जो इस तरह लेटी हुई रेखाएं हैं इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखेगा, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, किसमें, वर्ल्ड हिस्ट्री वाली क्लास में, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहा हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पार्ट में, ठीक है। तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का जाके वीडियो देख लीजिए। यहां पर देखिए किबीथू, जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वो सबसे पूर्वी हिस्सा है, और वो आपका देशांतर रेखा पर पड़ेगा, ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट याद रखेगा, किबीथू नाम है, सबसे पूरब में, सॉरी सबसे पूरब इस साइड, सबसे पूरब में किबीथू, सबसे पश्चिम में गुहारमोता, सबसे ऊपर इंदिरा कोल, सबसे दक्षिण इंदिरा पॉइंट, इतना याद रखेगा, इंपॉर्टेंट, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। आगे देखिए, तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर, कितना, 7516 किलोमीटर तट रेखा की कुल लंबाई। देखिए अब यहां दो बात आती, यहां पे कंफ्यूजन वाली बात क्या, बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, यहां पे मेन पॉइंट है ना, ये गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा बनाता है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी तटरेखा कौन सा राज्य बनाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, गुजरात, ठीक है, क्योंकि इतना टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए। तो ये इस तरह से करते हुए दोस्तों, ये इसको काउंट करेंगे ना, यहां पश्चिम बंगाल तक आएंगे, तो ये तटरेखा केवल 6100 किलोमीटर, कितना है, 6100, जब इसमें अंडमान निकोबार वाले को और लक्षद्वीप वाले सीमा को शामिल कर लिया जाता है, तब इसकी लंबाई बढ़कर हो जाती 7516 किलोमीटर। तो नो कंफ्यूजन, याद रखिएगा, ठीक है, 7516 किलोमीटर ये रेखा की कुल लंबाई होती है। अगला दे रहा उत्तर से दक्षिण, मतलब ये वाला पॉइंट अगर उठा लिया जाए, ये जो सबसे उत्तरी सबसे दक्षिणी था कन्याकुमारी तक, अगर इसको उठा लिया जाए तो देखिए यहां पर दे रहा है ये 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम में 1933 किलोमीटर। इसका मतलब है कि उत्तर से दक्षिण में लंबाई भारत की ज्यादा है और पूरब से पश्चिम में कम है, क्योंकि 3214 और 2933 अंतर है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज भौगोलिक विस्तार, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा स्पीड आपको नहीं महसूस होगा, लेकिन क्योंकि आप बहुत सारी चीजें पढ़ रखे हैं इस वजह से बहुत स्लो चलना भी यहां मजा नहीं आएगा। कह रहा भारत और कर्क रेखा, क्या संबंध है कर्क रेखा का, दोस्तों इस तरह से तीन रेखाएं हैं जो आपके पृथ्वी पर खींची गई है, पूरे पृथ्वी पर खास करके तीन रेखाओं के बारे में आपको याद होना ही चाहिए, वैसे रेखाएं तो बहुत सारी हैं बट याद रखिए, होता क्या है, ऐसे पूरे पृथ्वी को बना लीजिए, जो सेंटर लाइन होती है ना इसको 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री लाइन के दो नाम होते हैं, एक नाम होता है विषुवत रेखा, एक नाम कौन सा है, विषुवत रेखा, दूसरा नाम है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। यहीं से 23.5 डिग्री ऊपर और यहीं से 23.5 डिग्री नीचे दो और रेखाएं खींची गई हैं, एक जो ऊपर की तरफ है याद रखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। बात आती है कि सर 23.5 डिग्री पर ही रेखा क्यों खींची गई, दोस्तों क्यों का जवाब चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए आपको जवाब मिल जाएगा, फिलहाल के लिए बता दे रहा हूं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूरज जो सूर्य है वो अधिकतम उत्तरायण कितना हो सकता है, अधिकतम 23.5 डिग्री उत्तरायण हो सकता है, और दक्षिणायन कितना हो सकता है, केवल 23.5 डिग्री, इसीलिए कर्क और मकर को
23 डिग्री पर रखा गया। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आता, पूरा कॉन्सेप्ट वहां से जाके देखिए, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का विषय है, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा कर्क वाली ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, एकदम नाप तौल के नहीं करें, लगभग बीचों बीच से गुजरती है। और जब ये गुजरती है ना, तो भारत के 8 राज्यों को टच करती। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जरा लिखिए कर्क, क ऐसे बनाएंगे ना, तो बस इसको मिला दीजिए, ये 8 की तरह हो गया, बस यही है उत्तर आपका। याद रखिए 8 राज्यों को छूती। अब आपसे परीक्षा में क्या पूछता है, वो 8 राज्य हैं कौन से? तो सबसे पहले याद रखिए राजस्थान, सबसे पहले 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 कहां करेगा, पहले गुजरात में आएगा। कहां आएगा? देखिए गुजरात में, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का, गुजरात राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से ही कटा था क्या, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ को टच करती है, बिहार से कटा था झारखंड, झारखंड को टच करती है, फिर पश्चिम बंगाल, इतना तो इस साइड वाले हो गए, फिर बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश को जैसे क्रॉस करती है, फिर त्रिपुरा मिल जाता है, क्योंकि त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो उसको काटते हुए मिजोरम होते हुए बाहर आ जाती है। तो 6 राज्य इधर हैं और 2 राज्य पूर्वोत्तर साइड हैं जिनको कर्क रेखा टच करती है, या वो राज्य कर्क रेखा में आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से कुल 8 राज्य हैं जो यहां पर दे रहे हैं, देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो आपसे परीक्षा में खुद पूछा जाता है। अगला आता है मानक समय रेखा। ये मानक समय रेखा क्या है, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ये भारत की मानक समय रेखा है जिसके अनुसार हम अपने टाइम को सेट करते हैं। आप घड़ी मिलाते होंगे दोस्तों, तो 5.5 घंटा प्लस जो है ये जीएमटी रेखा से हम लोग चलते हैं। जीएमटी कहां पर दोस्तों, जीएमटी रेखा ग्रीन मीन टाइमलाइन बोलते हैं, वो लंदन में, जीएमटी एक जगह, सॉरी ग्रीन मीन एक जगह है जहां से रेखा खींची गई, वहां पर 0 डिग्री वाली लाइन है जहां से टाइम की शुरुआत होती, वहीं से माना जाता है, और वहां से 5.5 घंटा आगे हम लोग हैं। ये 5.5 घंटा क्या है, फिर से आपको कह रहा हूं, जाइए वर्ल्ड ज्योग्राफी में, पूरी बात बताएं और एक-एक कांसेप्ट आपका क्लियर कराऊं कि कैसे पृथ्वी घूमती है, कैसे 5.5 घंटा निकलकर आता है, पूरा का पूरा आपको क्लियर कराएं। सुनिए, तो ये जो मानक समय रेखा है, ये मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से गुजरती। कैसे दोस्तों, अभी जो मैंने बताया आपको, ठीक है, 68.7 और 97.25 जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी पॉइंट था, यदि उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, तो याद रखिए सबसे बीच वाला पॉइंट कितना आएगा, 82.5 डिग्री आएगा, और 82.5 डिग्री से ही एक देशांतर रेखा गुजरी हुई, अक्षांश नहीं, देशांतर, खड़ी वाली लाइन को देशांतर बोलते हैं। तो ये जो देशांतर रेखा गुजरी हुई है, इसी को मानक समय रेखा कहते हैं, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती। कितना? 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश होगा, इधर याद रखेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, तेलंगाना वाला मत शामिल करेगा, थोड़ा सा हटके है, 5 राज्य हो जाएंगे। आगे देखिए भारत की तटीय सीमा रेखा, पहले ही बता दिया हूं, 7516 किलोमीटर विथ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप समूह, ये दोनों को मिला करके टोटल 7516 किलोमीटर। आगे तरह मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, तो अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे, तो मतलब यहां से यहां तक की बात करें मुख्य भूमि, ठीक है, तो वो सीमा जो है दोस्तों वो 6100 किलोमीटर है। और कह रहा भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, कैसे, नीचे की तरफ हिंद महासागर और पश्चिम की तरफ अरब सागर, और पूर्व की तरफ क्या हो जाएगा, पूरब यानी जिस साइड आपका बांग्लादेश है, ठीक है, वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों जो स्थान 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। इसीलिए हम भारत को भी क्या बोलते हैं, हम भारत को प्रायद्वीप बोलते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र को टच करते हैं, तो गिन लेते हैं फटाफट। ये गुजरात हो गया 1, यहां महाराष्ट्र हो गया 2, यहां गोवा हो गया 3, यहां कर्नाटक हो गया 4, नीचे केरल हो गया 5, इधर तमिलनाडु हो गया 6, इधर आंध्रा हो गया 7, इधर उड़ीसा हो गया 8, और इधर पश्चिम बंगाल हो गया 9। यानी कुल 9 राज्य हैं जो भारत के से सटे हुए हैं। इसके अलावा भी है, जैसे दमन दीव है, जैसे लक्षद्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार, उसको नहीं लेके चल रहा हूं। तो इसको याद रखिए, कुल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए, समुद्र तट से लगे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख राज्यों में तटों के नाम क्या क्या, अलग अलग नाम दिया गया, जैसे चलिए बता देता हूं आपको, ये मैपिंग वाले पोर्शन में मैं पढ़ा
चुका हूं बट थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए जो गुजरात वाला तट है ना, इसको कठियावाड़ तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठियावाड़ तट। उसके बाद दोस्तों ये महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का तट है ना, इसको कोंकण तट कहा जाता है। उसके नीचे आएंगे ना कर्नाटक से लेके केरल तक का तट, इसको कोरोमंडल तट कहा, सॉरी मालाबार तट कहा जाता है। कोरोमंडल, कोरोमंडल पूर्वी साइड में, इसको मालाबार बोलते हैं। उसके बाद तमिलनाडु से लेके आंध्रा तक, इसको क्या बोलते हैं? मालाबार, सॉरी ये मालाबार के बाद यहां जहां समाप्त होता है यहां से कोरोमंडल तट आ जाता है। और उसके बाद जहां पर उड़ीसा है यहां पर क्या है? उत्तरी सरकार तट। तो ये आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। वही चीज यहां पर भी दे रहा है कि तमिलनाडु में कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है। अच्छा, उड़ीसा में कौन सा है? उत्तरी सरकार तट है। आंध्रा में कौन सा है? कोरोमंडल है। कर्नाटक में कन्नड़ तट है, और याद रखिए रोहा से मंगलोर तक कम दूरी तक है कन्नड़ तट, स्पेशली नाम है। तो यहां पर देखिए आंध्र प्रदेश के ऊपरी हिस्से पे जहां से उड़ीसा स्टार्ट होता है वहां पर उत्तरी सरकार तट है। बाकी उड़ीसा के पास उत्कल तट है, उत्कल एक अलग से भी नाम दिया गया। कोलकाता के पास में बंगाल तट है। करा महाराष्ट्र गोवा में कोंकण तट है, ठीक है। और केरल में क्या है? मालाबार तट है। आगे देखते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब देखिए हर देश के जो भी देश समुद्र के किनारे हैं, तो याद रखिए समुद्र में कितना हिस्सा उनका है उसी को लेकर के यहां प्रादेशिक समुद्री सीमा की बात की जा रही है। और आपको पता है भारत के पास जो है हिंद महासागर है, या बंगाल की खाड़ी, या अरब सागर है, ठीक है। तो याद रखिए भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला स्थान माना जाता है, या तटरेखा वाला देश माना जाता है। दुनिया के सभी देशों को समुद्री अधिकार मिला हुआ है, और यह समुद्री अधिकार यूएन ने खुद दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 1982 में दोस्तों एक देख रहे यूएन COLS, ठीक है, यह क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। और इसके तहत जो सदस्य देश थे उनको कुछ अधिकार दिए गए समुद्र पर, कुछ अधिकार, लेकिन कितना अधिकार? तो उस अधिकार में दोस्तों आपको तीन डेटा याद रखना, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। दोस्तों 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक माना जाता है, वहां तक लोग आ जा सकते हैं, टूरिस्ट वाला प्लेस होता है तो वहां आप आ जा सकते हैं। 12 नॉटिकल मील कहने का मतलब जो समुद्री सीमा है भारत की जहां शुरू होती है वहां से 12 नॉटिकल मील तक आप कुछ भी काम कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उसके आगे अगला 12 नॉटिकल मील दोस्तों वो अविच्छिन्न माना जाता है, याद रखिए, मतलब वहां प्रादेशिक स्टार्ट होता है और अविच्छिन्न इसके आगे आ जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगला 12, ये स्टार्टिंग है 24 नहीं, 12 12 ऐसे करके चलिएगा, ठीक है। तो ये होता है, और उसके बाद 200 नॉटिकल मील तक दोस्तों वो सेफ जोन होता है, वहां पे जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, और वहां पर खास करके वैज्ञानिक अनुसंधान वाले कार्य किए जाते हैं। तो वही बता रहा है कि भारत तीन प्रकार की समुद्री सीमाएं बनाता है, एक प्रादेशिक समुद्री सीमा, एक अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा, एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, जिसको EEZ कहा जाता है, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखिएगा। आगे दे रहा है प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी टेरिटोरियल सी करा ये 12 नॉटिकल मील समुद्री मील के बराबर होता है। इस पे संपूर्ण अधिकार उस देश का होता है, जिस भी देश की सीमा से 12 नॉटिकल मील जोड़ेंगे वहां पर उसका अधिकार माना जाएगा। अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र इसको कहते हैं, और यहां पर 24 नॉटिकल मील की दूरी ली गई है। यहां पर साफ सफाई, सीमा शुल्क भी लगता है, यहां पर वित्तीय अधिकार संबंधी, ये पूरा भारत का अधिकार होता है, लेकिन परमिशन चाहिए यहां जाने के लिए। खास करके जो मछुआरे हैं वो इसी क्षेत्र में जाकर मछलियां मारते हैं। आगे है आर्थिक क्षेत्र, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, EEZ का नाम दिया जाता है। ये 200 नॉटिकल मील तक होता है, यहां गवर्नमेंट वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य करवा सकती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। करा भारत का सबसे बड़ा तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे कह रहा भारत की स्थलीय सीमा की अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखिए अब भारत में अनेकों राज्य हैं जो कि अलग अलग देशों से सटे हुए हैं, तो वही आपसे पूछ रहा है। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। लेकिन अब आपके मन में कंफ्यूजन आएगा, सर बड़ा डेटा हो गया है, कंफ्यूजन तो बनता है। दोस्तों स्थलीय सीमा हम कब की बात कर रहे हैं? देखिए हमने पढ़ा ये नीचे वाली सीमा 6100, अगर हमने टोटल जोड़ा तो 7516, और अगर स्थलीय सीमा की बात करते हैं, मतलब ये जो लाल वाली लाइन है ना ऊपर ऊपर ऊपर, ये है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से अगर कुल सीमा ले लिया जाए तो 22,716 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत बनाता है ऑल टू ऑल टोटल, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के साथ 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। प्रश्न पूछता आपसे परीक्षा में, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से। कितने राज्य समुद्र
तट को छूते हैं? 9 राज्य। कितने देश हैं जो भारत को टच करते हैं? तो बताइए 7। कितने देश हैं? 7 देश हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन से, पाकिस्तान सबसे पश्चिमी साइड में, उसके ऊपर अफगानिस्तान, फिर इसके ऊपर चीन, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश। इस तरह से कितने हो गए? टोटल हो गए 7। श्रीलंका को मत करिएगा क्योंकि श्रीलंका जली सीमा में आता है लेकिन थोड़ा दूर है, ठीक है, स्थलीय सीमा उससे टच नहीं है। और 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए, हमारे देश के 7 देश हैं, 17 राज्य, 7 देश 17 राज्य, 7 देश 17 राज्य, याद रखिएगा। चलिए एक एक को डिटेल से मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर बांग्लादेश की बात करें, सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है, याद रखें। सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन था? गुजरात था, वो तटरेखा वाला था। ये सबसे लंबी स्थलीय सीमा बना रहा है भारत के साथ बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ भारत बनाता है। कितने राज्य टच होते हैं दोस्तों? तो याद रखें 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश को छूते हैं, 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है पश्चिम बंगाल, सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है, 2217 किलोमीटर। कितना? 2217। इसके ऊपर जाएंगे दोस्तों तो मेघालय पड़ेगा, ठीक है, और उसके बगल में देखेंगे मिजोरम, फिर त्रिपुरा और असम। असम तो ठीक ऊपर हो जाता है, एक बार मैप में आपको बता देता हूं, ठीक है। ये देखिए ये वाला पोर्शन हो गया, ये आपका बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और यहां ऊपर असम है, असम, ठीक है। सिक्किम नहीं, सिक्किम बहुत ऊपर हो जाता है क्योंकि सिक्किम से पहले ये पश्चिम बंगाल वाला जाता है जहां दार्जिलिंग वगैरह, सिक्किम तो ऊपर चला गया। सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में, ठीक है, उसकी राजधानी गंगटोक अलग है। यहां पे असम हो गया, यहां मेघालय हो गया, त्रिपुरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश को छूते हैं, टच करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसी वजह से उसका नाम त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी कहां है? अगरतला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चीन दूसरा राज्य देश है, चीन। चीन के साथ भारत जो है लगभग 3400 किलोमीटर की सीमा रेखा तय करता है, बनाता है, ठीक है। और कितने ये इसके और भारत के बीच में एक रेखा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा। इस रेखा को कब खींचा गया था? 1914 में खींचा गया था मैकमोहन रेखा को, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, अभी अभी हमने पढ़ा भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? नहीं पता ना, चलिए याद रखिए, रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी? अब आप कहोगे सर रेड क्लिफ लाइन तो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया था, तो जी हां दोस्तों, क्योंकि उस समय बांग्लादेश को भी पाकिस्तान ही कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। इस वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेडक्लिफ लाइन ही है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी रेडक्लिफ लाइन है, याद रहेंगे अपने। भारत और अफगानिस्तान के बीच में देखेंगे या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में देखेंगे तो वहां पर क्या है? वहां पर डूरंड रेखा बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये मैकमोहन लाइन हो गया, 1914 में बना था। संबंधित राज्य कितने? वही 5 राज्य, 5 राज्य बांग्लादेश के साथ, 5 राज्य चीन के साथ, ठीक है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश, याद रखेगा। आंध्र प्रदेश में नेफ्रा है जहां पर खूब विवाद होता रहता है मैकमोहन लाइन को लेकर के, ठीक है। इसके बाद है पाकिस्तान, तीसरा देश, ठीक है। 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है और भारत के साथ रेड क्लिफ लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ है। 1947 में इस रेड क्लिफ लाइन को खींचा गया था। संबंधित राज्य कितने हैं? 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं। वो राज्य कौन से हैं? पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात, जहां पर सरक्रिक विवाद है। जैसा मेरे से आगे बढ़ेंगे राजस्थान में तो पाकिस्तान आ जाएगा, बाकी पंजाब, लाहौर आप जानते हैं। तो ये वही 4 राज्य। सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है? तो 1216 मीटर की सीमा रेखा कौन बनाता है? जम्मू कश्मीर बनाता है, ध्यान रखिएगा। आगे दे रहा है नेपाल, 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा जो है नेपाल बनाता है भारत के साथ, और इससे भी 5 राज्य सटे हुए हैं। 5 राज्य कौन कौन से? पाकिस्तान के साथ 4 राज्य थे, म्यांमार के साथ 4 राज्य हैं, बाकी बांग्लादेश के साथ 5, चीन के साथ 5, नेपाल के साथ 5। नेपाल में देखिए उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है 651 किलोमीटर का, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम, पांचवा है वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं। परीक्षा में कैसे भी करके घुमा के प्रश्न पूछ देता है, तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा। म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा म्यांमार के साथ भारत बनाता है। भारत के 4 राज्य म्यांमार को टच करते हैं। पहला कौन सा? अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर के साथ, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है नागालैंड, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, सबसे ऊपर क्या है? अरुणाचल है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है, और फिर उसके बाद क्या है? मिजोरम है। तो ऐसे सीरियल वाइज इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया।
अब आगे आ गया दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है सबसे छोटी सीमा रेखा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है जम्मू कश्मीर, वो भी जम्मू कश्मीर में जो पीओके वाला एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, वो एरिया अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी भूटान है तो आप सभी जानते हैं, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। कह भारत में चार राज्य ऐसे हैं जो तीन देशों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, चार राज्य ऐसे हैं, वो कौन कौन से चार राज्य थे, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये चार चार देशों से जुड़े हुए हैं। देखिए जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान से भी जुड़ा हुआ है और चीन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो याद रखिए ये चार राज्य ऐसे हैं जो तीन देशों से जुड़े हुए हैं, ये तीन देश हो गए। उसी तरह से सिक्किम है तो याद रखिए नेपाल से जुड़ा हुआ है, चीन से जुड़ा हुआ है और भूटान से जुड़ा हुआ है, नेपाल, चीन और भूटान से। उसी तरह से वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिम बंगाल, ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहाँ दे दिया, ये गलत है, आंध्र नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा, क्या होगा, अरुणाचल, ठीक है, तो ये सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, अरुणाचल प्रदेश ये भूटान, म्यांमार और चीन के साथ सीमा रेखा बनाता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण चैनल, यहां से भी परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा जाता है, मैंने कहा ना आज पेट भर पढ़ाऊंगा, भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में जी भर के पढ़ो आप लोग, इतनी फैक्ट आज मैं आपको देने वाला हूं, मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद आपको कोई भी इफ बट की जरूरत होगी, बहुत डिटेल से भारत का भूगोल मैं कवर कराने वाला हूं, बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। आगे देखिए 8 डिग्री चैनल, ये किसको अलग करता है दोस्तों, ये जो चैनल होते हैं अलग करते हैं किसको, ये मालदीव को मिनीकाय से अलग करता है, ठीक है, मालदीव को मिनीकाय से। अगर आपने मैप में देखा होगा, मैप में ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, आप जो है मैपिंग वाले फोल्डर में आके देखिए, ये सब मैप में मैं पढ़ाया था, इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, ठीक है। 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप को मिनीकाय से अलग करता है, देखिए ये मालदीव को मिनीकाय से, लक्षद्वीप को मिनीकाय से। और 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान को निकोबार से, ठीक है, याद रखिए। 8.4 डिग्री वो अंतिम बिंदु था कन्याकुमारी का, और 6 डिग्री 4 मिनट वो इंदिरा पॉइंट का अंतिम बिंदु था, वही उसी तरह से 10 डिग्री पे आएंगे तो अंडमान निकोबार अलग हो जाएगा, समझ में आ रहा है, वो याद रखिए। करा ग्रेट या महान चैनल ये किसे कहा जाता है, तो याद रखिए सुमात्रा में, ठीक है, सुमात्रा, जावा सुमात्रा का नाम सुना होगा, वही सुमात्रा है, इंडोनेशिया और निकोबार को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य का नाम सुना होगा, पाकिस्तान में नहीं है, तमिलनाडु के पास में, ठीक है, तो याद रखिए भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। आगे कह रहा कोको जल डमरू मध्य, ये कोको द्वीप म्यांमार और इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर क्रिक विवाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, याद रखिएगा 96 किलोमीटर का क्षेत्र कच्छ के रण में आता है, जो कि गुजरात का हिस्सा है, जो रामसर आर्द्रभूमि समझौता के अंतर्गत भी आता है, यहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिए। यहां पर भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। डंकन पास का नाम आप सभी ने सुना होगा, डंकन पास याद रखिए दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है, डंकन पास, ठीक है। मन्नार की खाड़ी ये दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के पास में पड़ता है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं एग्जाम पॉइंट, कुछ स्पेशल है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें देख लेते हैं जहां परीक्षा में खूब प्रश्न बनते हैं हमारे, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे सिर्फ 5 क्षेत्रफल वाले राज्य, ठीक है, मतलब जिनका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है भारत में, ऐसे 5 राज्यों का नाम आपको बताना है। तो पहला है जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है वह राजस्थान, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश है और पांचवें पे जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 5 तटीय राज्य या यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, याद बताइए तो अंडमान निकोबार, ठीक है, उसमें दोनों को शामिल कर लिया है, अंडमान निकोबार, ये 5 तटीय राज्य हैं, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और महाराष्ट्र हो गया, तो इनको भी याद रखिएगा, सिर्फ 5 हैं, टॉप 5। करेक्ट, टॉप 5 क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं ऐसे जिले, तो परीक्षा में पूछता है, तो याद रखिए कच्छ जो है, कच्छ करण जो है, जहां पर सरकारी विवाद चल रहा है, वो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा है लेह, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है बाड़मेर और पांचवा है बीकानेर, जिसमें से 3 आपके राजस्थान में है, ले आपके जम्मू कश्मीर में है और कच्छ आपके गुजरात में है, तो ये 5 टॉप 5 जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रमुख हैं, ठीक है। आगे देखा भारत और पड़ोसी देशों के मध्य सीमा का विस्तार अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, ये बताना है, अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो पहले बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा, दूसरे नंबर पे चीन के साथ, तीसरे नंबर पाकिस्तान के साथ, चौथे में नेपाल, पांचवें म्यांमार, उसके बाद भूटान और सबसे
कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है 106 किलोमीटर का कौन, अफगानिस्तान। तो इसको सेट करने के लिए आपसे परीक्षा में दे देता है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, देश तथा उनसे संबंधित सीमा रेखाएं, ये अभी भी मैंने पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। रेड क्लिफ रेखा जो है दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। 24वीं समानांतर रेखा, ये किसके बीच में है, तो ये कच्छ के रन के पास में है, जिसे पाकिस्तान भारत पाक सीमा रेखा मानता है, ठीक है, परंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 24वीं समानांतर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगह आपको ये डेटा मिलेगा। डूरंड रेखा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, डूरंड लाइन, ठीक है, याद रखिएगा। मैगीनाट रेखा, ठीक है, याद रखिए, जिस तरह से हमारे भारत में है रेडक्लिफ लाइन, उसी तरह से मैगीनाट है, ये फ्रांस द्वारा खींची गई रेखा थी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, किसमें, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है, तो याद रखिएगा। 38वीं समानांतर रेखा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया सियोल, राजधानी बता रहा हूं, ठीक है। 49 डिग्री जो समानांतर रेखा है, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है, कई बार प्रश्न आया है, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17वीं समानांतर रेखा, ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला दे रहा है कुछ प्रमुख जल डमरू मध्य चैनल, जैसे ग्रेट चैनल आपसे पूछ देता परीक्षा में, क्या पूछ देता है, ग्रेट चैनल, ये किससे संबंधित है, तो याद रखिए, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है ग्रेट चैनल, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को, या अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया को अलग करता है ग्रेट चैनल। 10 डिग्री चैनल, ये पहले ही आपको बता चुका हूं, लघु अंडमान को, ठीक है, कार निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल, मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, मालदीव को मिनिकाय से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच में, पाक स्टेट ये भी भारत श्रीलंका के बीच में, तो ध्यान दीजिएगा। आगे है पांडिचेरी से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे माहे, दोस्तों ये अलग अलग जिले हैं पांडिचेरी के, जरा इनको ध्यान दीजिएगा। माहे जो है दोस्तों, अच्छा, पांडिचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके जो राज्य ऐसा राज्य है, या एक ऐसा यूनियन टेरिटरी, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके जिले कई राज्यों में फैले हुए, जैसे जो माहे है ना, ये केरल राज्य की सीमा में स्थित है, ठीक है, और कराईकल जो है ये तमिलनाडु, मतलब एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसके जिले अलग अलग राज्य में, राज्य ही अलग हो गया, समझ रहे हैं, गए हैं केरल घूमने, पहुंच गए माहे, तो वहां पांडिचेरी पता चला है, ठीक है, पुदुचेरी, अब एक्चुअली इसका नाम पांडिचेरी नहीं, अब इसका नाम पुदुचेरी है, पुदुचेरी, ठीक है, और कराईकल गए तो तमिलनाडु आ गया, पांडिचेरी गए तो ये भी तमिलनाडु की सीमा में आता, और यनम जो है आंध्र प्रदेश की सीमा में आता है, तो तीन तीन राज्यों की सीमा को टच करता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, तो याद रखिए कौन कौन सा, तो माहे केरल से, माहे केरल, ठीक है, माहे केरल से, कराईकल तमिलनाडु, और खुद पुदुचेरी भी कहां पर है, तमिलनाडु, और यनम जो है आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, भारत के पर्वत और पहाड़ियां हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, हालांकि आगे बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, बट थोड़ा सा फैक्ट है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कैमूर पर्वत, ये कहां पर है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में है, कैमूर पर्वत कहां पर है, मध्य प्रदेश में, और मैकाल पर्वत कहां है, ये भी मध्य प्रदेश में, विंध्याचल कहां है, ये उत्तर प्रदेश से होता हुआ मध्य प्रदेश तक जाता है, अमरकंटक कहाँ है, अभी मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा कहाँ है, यही ये महाराष्ट्र में, सतपुड़ा कहाँ है, महाराष्ट्र में, आपने नर्मदा ताप्ती का नाम सुना होगा, वहां पे सतपुड़ा के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, यही वो दो नदियां हैं जो पश्चिम की बंगाल की तरफ न जाकर के, बंगाल की खाड़ी में न गिर करके, ये जाती हैं पूरब दिशा, पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है, पूरब दिशा में न जाकर के पश्चिम दिशा की तरफ जाती हैं, याद रखिएगा, और अरब सागर में जाकर गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती। आगे दे रहा है महादेव की पहाड़ियां, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में, सह्याद्री की पहाड़ियां कहां पर है, ये भी महाराष्ट्र में है, गिर पहाड़ियां कहां है, गिर अभयारण्य का नाम सुना होगा, जहां एशियाई शेर रखे जाते हैं, ये गुजरात में है, ठीक है, और बोल रहा है नागा पहाड़ियां, तो नागालैंड में है, गारो खासी जयंतिया, वो भी मेघालय में है, और लुसाई की पहाड़ियां, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा, लुसाई की पहाड़ियां ये मिजोरम में है, कहां पर है, मिजोरम में, ठीक है। आगे दे रहा है राजमहल की पहाड़ियां, ये खूब परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसे एक लाइन बोल देगा, राजमहल की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखे बिहार में, कहां पर है, राजमहल की पहाड़ियां बिहार में है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, पटकोई कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, और याद रखे यहां पर क्या दे रहा है, अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यह राजस्थान में, ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या, गुरु शिखर,
क्या नाम है? गुरु शिखर, ठीक है, माउंट आबू भी आप याद रखते हैं। आगे देखिए अन्नाईमुड़ी कहां पर है? अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में है। नीलगिरी कहां है? तमिलनाडु में। दुद्दापेटा सबसे ऊंचा इसका शिखर है। इलायची की पहाड़ियां कहां पर है? ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ियां कहा जाता है, केरल में है, ठीक है। आगे झील दे रहा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आगे बहुत पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने मैपिंग में यह भी कवर करा है, आप जाके मैपिंग का वीडियो देखिए, एक एक मैप को जूम करके दिखाया हूं कौन सा चीज कहां पर है, आपको याद कराया गया है। करा कालांगुट, ये बीच का नाम दे रहा है, ठीक है, कालांगुट बीच गोवा में, ठीक है, एक्चुअली हमारा वहां पे घर है, ठीक है, तो याद रखिए कालांगुट बीच कहां पर है? गोवा में है। गोपालपुर कहां पर है? उड़ीसा में है। यहां पास में झील या पुलीन है, याद रखिएगा। लोनार, लोनार झील का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में है। नक्की झील राजस्थान में है। मरीना तमिलनाडु में है। कहां पर है मरीना? तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देना दोस्तों कोलेरू, यह आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में आ जाता है। दीघा ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और भी है क्या? अच्छा शिमला, शिमला में दोस्तों ये धौलाधर श्रेणी है, ठीक है, आपने श्रेणियों के बारे में पढ़ा होगा। पालनी की पहाड़ियां, कोडाईकनाल, ठीक है, और माउंट आबू या अरावली पर्वत सोड़ी की ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर एक टूरिस्ट प्लेस है, उटक मंडल, ऊटी का नाम सुना होगा, उटक मंडल, वो नीलगिरी पर्वत पर ही है। कुछ द्वीपों के बारे में दे रहा है, द्वारका, द्वारका बेट, द्वारका, द्वारका का नाम सुना होगा, ये आपके अरब सागर के तट पर है, गुजरात में, ठीक है। दीव, ये कठियावाड़ तट के पास पड़ता है। दमन दीव का नाम सुना होगा, ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, याद रखे। गंगा सागर, ये बंगाल की खाड़ी में के पास में स्थित है, ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है। पीरम, ये खंभात की खाड़ी के पास है। खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आप गुजरात ऐसे मैप में बनाते हो ना, तो याद रखिए ये वाला जो पोर्शन है ये कच्छ की खाड़ी है और ये वाला पोर्शन जो है खंभात की खाड़ी है, तो ऊपर की तरफ क है, नीचे की तरफ ख है, ठीक है। तो याद रखिए जो पीरम है ये खंभात की खाड़ी में आता है, लेकिन वेयंत सहोदर जो है ये कच्छ की खाड़ी में आता है, ठीक है, तो दोनों को अलग-अलग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है भारत के भौगोलिक विस्तार में इससे ज्यादा चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी एक स्पेशल वीडियो में लेके आऊंगा, जितने भी स्टेट हैं उनसे जुड़े कुछ स्पेशल फैक्ट, इतना कम से कम आप जान जाओ, तो फिर हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि कहां पर क्या है। एक एक चैप्टर आपको इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, घबराइए मत, एक महीने लगातार एक क्लास चलेगी। देखिए आपकी ज्योग्राफी की क्लास और आपके एनवायरमेंट की क्लास, ये दो क्लास मैंने एकदम फिक्स कर दिया है, ठीक है, ये दो क्लास कोशिश करूंगा कि विद इन मंथ आपका क्लियर हो जाए, एकदम अच्छे से पढ़ा के आपको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, कोशिश ये करिएगा वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, ज्यादा लोग देखते हैं, तो फिर हमें भी पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस तरह के अच्छे वीडियो आते रहें, तो आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, और मिल बांट के चलते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।